कृषि कानूनों के खिलाफ रैली निकालकर भारत बंद का आह्वान किया गया। बड़ी संख्या में किसान और नेता भारत बंद रैली में शामिल हुए। आपको बता दें कि 27 सितंबर संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा किए गए भारत बंद के आह्वान पर गुना में भी संयुक्त रैली निकाली गई। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले रैली निकालकर बाजार से दुकानें बंद रखने की अपील की गई। साथ ही इस दौरान रैली में बड़ी संख्या में किसान, छात्र, युवा, महिलाएं और नेतागण शामिल हुए। संपूर्ण तरीके से भारत बंद का आह्वान किया गया। रैली स्थानीय जय स्तंभ चौराहा से शुरू होकर सदा बाजार, रपटा चौराहा, हनुमान चौराहा, तेलगानी चौराहा होते हुए पुनः जय स्तंभ पर समाप्त हुई। आपको बता दें कि रैली को डॉक्टर विष्णु शर्मा, वीरेंद्र सिसोदिया, मनीष श्रीवास्तव, राजेंद्र तिवारी और लोकेश शर्मा, योगेश शर्मा, गुरुदीप सिंह, प्रीति पटवर्धन आदि ने संबोधित किया। संबोधित करते हुए आज संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने कहा कि आज बंद के आह्वान खेती किसानी के खिलाफ लाए जा रहे तीनों कृषि कानूनों के विरोध में है और आज किसान आंदोलन के 10 महीने पूरे हो रहे हैं। पिछले 10 महीनों से देश का पेट पालने वाला अन्नदाता किसान दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डालकर बैठा हुआ है और ये मांग कर रहा है कि उसकी उपज का सही दाम दिया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनाया जाए और किसान विरोधी, जनता विरोधी तीनों काले कानूनों को वापस लिया जाए। लेकिन भाजपा शासित केंद्र सरकार जो है वो तानाशाही पूर्ण रवैया अपनाए हुए है। यह आंदोलन किसानों के आह्वान पर तब तक जारी रहेगा जहाँ पर किसानों की उपज के लिए ये न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून नहीं बनाया जाता और तीनों किसान कानून और बिजली एक्ट को वापस नहीं लिया जाता। आज आपको बता दें कि इस आंदोलन के दौरान किसान संगठनों के साथ साथ मजदूर संगठन, छात्र संगठनों, युवा संगठनों की सहभागीदारी रही। ये दिखाता है कि आंदोलन किसान आंदोलन ना होकर जन आंदोलन में तब्दील हो गया है। भाइयों, आज ये संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर और हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री दिग्विजय सिंह जी के आदेश पर ये गुना बंद के समर्थन में हम लोग किसान कांग्रेस और किसान संगठन यहाँ शामिल हुए। ये लड़ाई राजा साहब दिग्विजय सिंह अपने इस पूरी ताकत से लड़ रहे हैं और दिग्विजय सिंह जी के निर्देश पर ही हम लोगों ने किसान संघ यूनियनों का पूर्ण सपोर्ट किया है और हम किसानों की लड़ाई में राजा दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में अंतिम क्षण तक लड़ाई जारी रखेंगे। आज हमने सफलतापूर्वक गुना बंद किया है। गुना के सभी व्यापारी बंधुओं को, सभी छोटे 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 दुकानदारों को, सभी व्यक्तियों को जिनने इस बंद में सहयोग किया, हम हृदय से हाथ जोड़कर उनको धन्यवाद जता करते हैं।